अलकुम uh, मेरा नाम मोहम्मद अबूबकर है मैंने इससे पहले uh, बैचलर ऑफ़ साइंस एंड अकाउंटिंग इन फाइनेंस किया है और अभी मैं रशीद जामतरशीदीतरिया साल सोम का तलब इमू मेरा सवाल ये कि मॉडर्न फासफफी में जैसा हम देखते हैं कि जब uh, क्लर्जीमैनशिप से लोग बाहर निकले और स्केप्टिसिज्म के बारे में सोचना शुरू किया जब इस चीज़ को उन्होंने सोचना शुरू किया तब उन्होंने दुनिया में तरक्की शुरू की है और हमारे जिस तरह की आपने अभी थोड़ी देर पहले टेक्नोलॉजी की इतनी ज़्यादा अहमियत का बयान की है हम लोग अभी तक उसी चीज़ से फँसें हैं और सेकेंडली जबकि हमारे इस्लाम में बहुत सारी थाट्स ऐसी हो होती हैं जो प्री डिटर्मेंट होती हैं तो पहले से प्री डिटर्मेंट थाट्स को ले के मैं एक तख्लीकीहन जहन की जहन कैसे रख सकता हूँ और चूँकि हमारे यहाँ अभी तक ऐसी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन नहीं हुई जब वो इनोवेशन नहीं हुई तो मैं जो भी कोई नया इकदाम उठाने जाता हूँ या कदम उठाने जाता हूँ उसके बारे में पहले से आ जाता है कि फ़लाँ चीज़ हराम है फ़लाँ चीज़ हराम है फ़लाँ चीज़ हराम है तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम दुनिया में तरक्की कैसे करेंगे मेरा साहब का अच्छा सवाल है वो कह रहे हैं कि जब हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हम देखते हैं कि कितनी तरक्की करते लेकिन जब नई जदी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर तो फतवे लगते हराम में सही है नहीं है गलत अगर आप देखेंगे साइंटिफिक हिस्ट्री को जो तो एट्थ सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी आठवीं सीदी नौवीं सीदी वेस्टर्नर्स कहते थे डार्क एजेस मतलब अंधेरा का दौर सेंचुरी नाइन्थ सेंचुरी कौन कहते यूरोपियन यूरोपियन कहते हैं कि डाक अंधेरे का दौर लेकिन अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मुसलमान चोटी पे थे और इस पे तक दिया मैंने आठवीं सीज़ी नौवीं सीज़ी में जब वेस्टर्नर्स कहते थे डाक केजिस हम दुनिया में तरक्की नहीं करे उस टाइम अगर आपको साइंस के बारे में साइंटिस्ट बनना है तो आपको अरबी जानना फर्ज होता था तो कई गैर मुस्लिम साइंस की तहकीक करने के लिए अरबी सीखते थे और आप अगर जाएंगे और मेरी पूरी तकरीर सुनेंगे तो फॉर फादर ऑफ केमिस्ट्री इज द फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है वेस्टर्न नाम जाबिर है जाबिर जाबिर हयान उसने ये जो अल्कोहल है किधर से है अल्कोहल जो शराब एल्कोहल शराब एल्कोहल ओएच किधर से है अरबी लफ्ज से अलगुल ट्रिग्नोमेट्री को इसने इजाज किया मुसलमान आप देखेंगे सीना, आवे सीना, आवे सीना, सीना। मेडिकल बुक राजी, लिस्ट आपको मिलेंगे आठवीं नौवीं दसवीं सीधी में जो हमारे साइंटिस्ट थे मेडिकल स्मॉल पॉक्स का इजाज किसने किया ट्रीटमेंट किसने किया बुक्स कानून डॉक्टर के लिए कानून की दो वॉल्यूम जो थे वो आप, आपको पढ़ना ही चाहिए डॉक्टर बनने के लिए लेकिन अभी क्या हो गया हम तरक्की नहीं करे क्यों पहले हम कुरान और हदीस के करीब थे जब कुरान और हदीस के करीब थे हम दुनिया के चोटी पे थे तादाद में कम थे हम अभी तादाद में तो ज्यादा है हम पच्चीस फीसद दो बिलियन झाक की तरह अल्लाह के रसूल के थे झाक की तरह क्या फायदा लोग झपटने के लिए ठहरे क्योंकि हम कुरान और हदीस को दूर जाए जितना दूर जाएंगे उतना हम दुनिया में भी नीचे जाएंगे तो अगर हम कुरान पे और रिसर्च करें और वो उल्मा की बात माने जो सही है बनस्बत हराम हराम होना चाहिए हम शरिया को फॉलो करना चाहिए जो उल्मा फतवा देते उसे मानना चाहिए लेकिन कोई भी सही उल्मा कभी भी टेक्नोलॉजी से आपको रोकेगा नहीं सही उल्मा कभी नहीं रोकेगा अगर कुछ गलत है रोकेगा रिबा गलत है गलत है के बिना धंधा नहीं करते हैं। तो बेवकूफ लोग जो बोलते हैं। जितने टॉप फाइव हंड्रेड वर्ल्ड की कंपनी ऑल आर डेट फ्री डेट फ्री है टॉप कंपनी तो जो हर एक हर एक फंड में अलग आल में आज की तारीख में इस्लामिक इकोनॉमिक में नंबर वन है मुफ्ती तकलीफ नंबर वन दुनिया आपके वो इस्लामिक इकोनॉमिक्स के माहिर है और हामिद हुसैन हसन जिसने मैंने कहा था उनका इंतकाल हो गया उनने कायम की थी इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद मैं माशा उनके बहुत करीब था काफ़ी घंटे गुजारे इस्लामिक बात करने माशा मुफ्ती तकी इस के साथ भी मैंने काफ़ी वक्त गुजारे ये लोग इस्लामिक इकान है अभी कोई दूसरा फतवा बोलेगा ये हराम हराम अरे भाई आपके पास है कोई दलील और हनफी फ़िक जो है इस्लामिक इकोनॉमिक्स में बेस्ट फिक है हनफी उलमा ने जो, जो किए तहकीक इन इस्लामिक इकोनॉमिक इसलिए मुफ्ती तक की इज्जत सब जगह है दुनिया में इवन सऊदी जाएंगे तो इज्जत है क्योंकि हनफी फिक ये सच है भाई मैं कभी डरता नहीं सच बात कर रहा क्यों मैं इनको प्रेस किया दारो अम्मा की इज्जत करता हूं मैं तो हमें ये देखना चाहिए लेकिन एक बात मैं कहूँ क्या नहीं हूं पाकिस्तान में और इस्लाम क्यों होना चाहिए मुफ्ती तक साहब है इधर लेकिन मलेशिया में ज्यादा अभी मलेशिया कंपटीशन नहीं हो रहा है अताभ बड़े ऑफिस से वीडियो वायरल होएगा नहीं लेकिन मलेशिया पाकिस्तान का को कोई एतराज नहीं लेगा इंडिया पाकिस्तान में एतराज होता है तो मलेशिया का बोल सकते बोल सकता हूँ मुफ्ती साहब मलेशिया में जो प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग है बहुत अच्छी है वहाँ नंबर टू शेख दाऊद बकर वो नंबर टू आते वो मलेशिया में लेकिन प्रैक्टिकली इस्लामिक बैंकिंग जो मलेशिया में वो और आम है यहां मैं पूछ रहा था कौन कह रहा था ट्वेंटी थ्री परसेंट कौन इस्लामिक बैंकर कह रहा था ट्वेंटी थ्री परसेंट वो भी अच्छी बात है ट्वेंटी थ्री परसेंट ऑफ द बैंकिंग इज इस्लामिक बैंकिंग मलेशिया में और ज्यादा तादाद हाला है हालांकि मलेशिया में तो मेंसेंट मुसलमान है वहां कम होना चाहिए ना वहां गैर मुस्लिम भी इस्लामिक बैंकिंग करते तो मुसलमान नाइनटी फाइव नाइन्टी से मुस्लिम है पाकिस्तान में तो यहाँ क्यों उलमा आपके पास है टेक्नोलॉजी इस्लामिक बैंकिंग की तो क्यों तो काना का गड़बड़ है ना तो हम इस्लामिक इकोनॉमिक्स जो नहीं जानते बोलते अरे इस्लामिक बैंकिंग कन्वेंशनल बैंक ऐसा है चाहिए यहां से खाओ यहां से खाओ एक तो बोला भाई आपको इल्म में तो क्यों बात करते भाई मुझसे उस बोलते हैं और वो क्या समझते हाँ मैं हम मिलाऊंगा बिकॉज आखिर को समझ साइंटिफिक है सूट बूट टाइप वाला बोलते ये तो इस्लामिक बैंकिंग बकवास है कौन बोलता है तो मैं जब आवाज खोलेगा तो उधर तो डर जाते तो मैं बोला भाई आपको नहीं पता तो क्यों मुख रहे भाई आपने इस्लामिक इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ी तो क्यों बोल रहे क्यों अपने आप को झंडो में डाल रहे क्या मुफ्ती है क्या हाँ बोलो मुझे समझता है ना जायज है खाली यह अलग बात है क्या बहुत से लोग इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे मुसलमान को बेवकूफ़ बनाते वो सही है लेकिन देर इज समथिंग लाइक इस्लामिक बैंकिंग रूलिंग है तो आप लोग अगर ये पता इज्जत बहुत मुफ्त है था कि उसमें नहीं आ, लेकिन आप लोग सपोर्ट कीजिए अभी अगर 25 बोलो तो यहाँ तो लोन, लो लोन लेने का है तो इस्लामिक बैंक से लो अगर मजबूरी है तो लोन नहीं लेना बेस्ट है मजबूरी है तो इस्लामिक बैंक से लो तो इस तरीके से एक एक पहलू पर अगर हम तोजु दें और पूरा माशरा होगा और अगर टेक्नोलॉजी बढ़ती है तो क्या करना चाहिए आपको आपको सपोर्ट के लिए आप अगर शुरू करते हैं तो आप बड़ी मिसाल के तौर पे मुझे कोई नवा मुझे नया जवाब मिलता है मैं हमेशा कोई भी देता हूं तो देखो इस्लाम का उसूल है कि अगर एक आलिम फतवा देता है अगर वो सही है तो उसे दो सवाल गलत है तो भी एक सवाल आलिम आम आदमी ने अभी आलिम के मतलब हर फन में अलग अलग आलिम है हदीस का आलिम मुफ्फत से तो मुझे अगर कोई ऐसा जवाब मिला जो नया जवाब मिला तो मैं क्या करता हूँ क्या हाँ सही है। तो मुझे एक सर्टिफिकेट मिल गया ठीक सर्टिफिकेट देते ना मतलब मैं पूछा दो तीन आलिम से जो मेरे नजदीक खाए है तो जवाब देने लगता हूं तो मैं कोई भी हाँ मैं क्या कर सकता हूँ एक आलिम का जवाब ले सकता हूँ लॉजिकल दिखाऊं वो ठीक है वो दाई का काम क्या है आलिम से सीखे उसे पैलेटेबल हजम कराए आम पब्लिक को इस्लामिक बैंकिंग के अगर आलिम लोग जो मशहूर है जिसको फैजल अवार्ड मिला है मैं उनको जानता हूँ इंडियन है दो दो इंडियन को फैजल अवार्ड मिला है फैजल अवार्ड और इस्लामिक बैंकिंग एक है छापरा उमर छापरा और एक इंडिया के शेख निजामुद्दीन वो जब मेरे तकरीर सुने इस्लामिक बैंकिंग के डॉक्टर जाकर यूर सो स्ट्रिक्ट उनको फैसला अवार्ड मिला मुझे नहीं मिला उसके मुझे अलग मिला सवेद ऑफ तो इस्लाम तो मैं मेरी लेक्चर दिया भाई सही है क्या बोलते यू टू स्ट्रिक्ट मैंने मैंने, मैं, मैंने ये नहीं पूछा मैं स्ट्रिक्ट टिक मैंने ये पूछा क्या मैंने सही है क्या तो बोलता है भाई यू आर लॉजिकल यूर ट्रू बट यू आर टू स्ट्रिक्ट मेरा सवाल है कि मैंने लेक्चर दिया हूं इस्लामिक बैंकिंग पे बराबर इसमें कुछ गलतियां क्या बोलो बोलते आप बहुत स्ट्रिक्ट मैं स्ट्रिक्ट होना गलत बात थोड़ी मैं तो कहता हूं मैं फंडामेंटलिस्ट हूं ना मैं फंडामेंटल को पूरे जी जान से फॉलो करता हूं तो अगर आप उस फन के आलम नहीं हैं तो आपका फर्ज होता है कि आप आलम से पूछो तो आपको टेक्नोलॉजी पे जाने गए तो ऐसे आलम से पूछो जो लोग उनकी सच करते उनसे बात करो उनको फतवा जाहिर करने तो क्या अलाउड इज सेफ हाँ कि नहीं तो ये बोलना उल्मा है कि सारे उलमा आपको टेक्नोलॉजी रोकते हैं ये बिल्कुल गलत है आप किधे हिंदुस्तान में जाओ पाकिस्तान में जाओ माशा अच्छे आपके पास है आप सऊदी में जाओ कुछ ने बोले करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो ये भी हमत है करो करो लेकिन मुझसे फतवा मत लो क्योंकि फतवा अलग होता है तकवा अलग होता है एक होता है भाई जरूरी है तो हमारे मकासद शरिया में अलाउड है फतवा तो नहीं सकते लेकिन करो, मतलब करो मतलब वो आलिम ने आपके सिर पे हाथ रखा है आप उससे फतवा मत लो आप समझे ना तो कुछ ऐसे पेचीदा सवाल होते हैं दावती मैदान में तो आपको जरूरी है कि जो उस फन का माहिर है मेडिकल कुछ क्यों तो ऐसे आलिम से पूछो जो मेडिकल डॉक्टर भी है और शरिया भी जानता है आप समझे तो आप अगर शुरू करेंगे तो उनको कॉन्फिडेंस लो हो सकता है वो आपको दो तीन राय बोलेंगे उसकी बात मान लो मे बी आपका हंड्रेड परसेंट एट्टी परसेंट तो काम हो जाएगा ना नहीं मुझे हंड्रेड परसेंट करने का एट्टी परसेंट तो करो तो इस तरीके से हमें साथ में लेके चलना चाहिए इनशाला आपके साथ होगा क्वेश्चन